इन लास्ट लेक्चर वी हैव डन टिल क्लॉज डी, ये ई क्लॉज है. ई क्लॉज बहुत सिंपल, डिस्क्वालिफिकेशन में क्या देखा आपने, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एन ऑडिटर में, अगर इफ अ पर्सन और अ फर्म हु वेदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हैज बिजनेस रिलेशनशिप विद द कंपनी और इट्स सब्सिडियरी होल्डिंग एसोसिएट कंपनी, तो भी वो डिस्क्वालिफाई हो जाए. मतलब अगर कोई भी पर्सन या फर्म जिसका कंपनी के साथ बिजनेस रिलेशनशिप है, बिजनेस रिलेशनशिप है, तो वो भी डिस्क्वालिफाई. समझो मैं रिलायंस कंपनी का ऑडिटर बनना चाहता हूं लेकिन मेरा रिलायंस कंपनी के साथ बिजनेस रिलेशनशिप है. मैं रिलायंस कंपनी को समझो रॉ मटेरियल सप्लाई करता हूं, मैं बिजनेस रिलेशनशिप हो गया ना मेरा, मैं उसको रॉ मटेरियल सप्लाई करता हूं तो मेरा बिजनेस रिलेशनशिप है. तो बिजनेस रिलेशनशिप है इसका मतलब क्या हो जाएगा, मैं डिस्क्वालिफाई हो जाऊंगा. सिंपल सा फंडा, मैं डिस्क्वालिफाई हो जाऊंगा. तो अगर बिजनेस रिलेशनशिप है मेरा या जो भी पर्सन या फर्म जो ऑडिटर बनना चाहता है उसका उस कंपनी के साथ बिजनेस रिलेशनशिप है तो वो डिस्क्वालिफाई हो जाएगा, डिस्क्वालिफाई हो जाएगा. सिंपल सा फंडा, चाहे उस कंपनी के साथ हो, चाहे उसकी सब्सिडियरी होल्डिंग एसोसिएट या फेलो सब्सिडियरी, व्हाटएवर, अगर मेरा उस कंपनी के साथ बिजनेस रिलेशनशिप है तो मैं उसका ऑडिटर नहीं बन सकता. सिंपल फंडा, क्लियर, याद रखना. ठीक है, लाइक एग्जांपल दिया ना, अगर मैं सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल हूं तो मैं उस कंपनी का ऑडिटर नहीं बन सकता, खत्म, फिनिश. ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखना, सिंपल सा फंडा है. और इसमें एक और एग्जांपल बताया था मैंने, क्या बिजनेस रिलेशनशिप की बात हो रही है, कस्टमर रिलेशनशिप नहीं, कि अगर मैं उस रिलायंस कंपनी का कोई प्रोडक्ट यूज करता हूं तो मैं उसका ऑडिटर नहीं बन सकता, ऐसा नहीं. प्रोडक्ट तो मैं किसी का भी यूज कर सकता हूं ना यार. अब मैं क्लोजअप करता हूँ सुबह उठ के, अगर तो मैं एक्चुअल का, मैं ऐसा थोड़ी बोलूंगा कि मैं सुबह सुबह उठ के एक्चुअल के साथ डील करता हूँ, ऐसा बोलूंगा क्या, नहीं ना. तो कस्टमर अलग चीज है, यहाँ बिजनेस रिलेशनशिप की बात हो रही है. ठीक है, अब वो रिलायंस कंपनी का मैं ऑडिटर बनना चाहता हूँ तो मैं उसके प्रोडक्ट तो यूज करता ही रहूंगा ना, मैं प्रोडक्ट यूज करता हूँ रिलायंस कंपनी के. ठीक है, अब जैसे जियो का सिम कार्ड यूज करता हूँ, ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं जियो का सिम कार्ड यूज करता हूँ तो मैं रिलायंस कंपनी का ऑडिटर नहीं बन सकता, ऐसा नहीं. ठीक है, बिजनेस रिलेशनशिप में क्या होता है बेटा, बिजनेस रिलेशनशिप मतलब नॉर्मल सी बात है ना, मेजर बिजनेस रिलेशनशिप मतलब क्या, अगर मैं उसको रॉ मटेरियल सप्लाई कर रहा हूँ, उस रिलायंस कंपनी को अगर मैं रॉ मटेरियल सप्लाई कर रहा हूँ, इसका मतलब क्या होगा भाई, मेरा बिजनेस रिलेशनशिप है ना, तो मैं उस कंपनी का ऑडिटर नहीं बन सकता, मैं डिस्क्वालीफाई हो जाऊंगा. सीधा सा सवाल है, बराबर है, चाहे उस कंपनी को कर रहा हो या उसकी सब्सिडियरी होल्डिंग एसोसिएट या फेलो सब्सिडियरी, तो अगर मेरा बिजनेस रिलेशनशिप है तो मैं उस कंपनी का ऑडिटर नहीं बन सकता. सिंपल सा फंडा, ये अपना ई क्लॉज बोलता है. ठीक है, और एफ क्लॉज में क्या बोलता है कि अगर मेरा कोई भी रिलेटिव, मेरा रिलेटिव अगर उस कंपनी का डायरेक्टर है या की मैनेजरल पर्सन है, डायरेक्टर या की मैनेजरल पर्सन है, तो भी मैं ऑडिटर नहीं बन सकता, मैं डिस्क्वालीफाई हो जाऊंगा. डिस्क्वालीफाई, सीधा, समझा, क्लियर, समझा, क्लियर है, मालूम पड़े कि नहीं, समझा कि नहीं. अभी समझाऊ, मैं रिलायंस कंपनी का ऑडिटर बनना चाहता हूँ लेकिन मेरा रिलेटिव, मेरा भाई उस कंपनी का डायरेक्टर है, मेरा ब्रदर उस कंपनी का डायरेक्टर है, तो मैं ऑडिटर नहीं बन सकता भाई, मैं डिस्क्वालीफाई हो जाऊंगा. या मेरी सिस्टर उस कंपनी की समझो की मैनेजरल पर्सन है, KMP की मैनेजरल पर्सन है, तो भी मैं उस कंपनी का ऑडिटर नहीं बन सकता, मैं डिस्क्वालीफाई हो जाएगा. डिस्क्वालीफाई, समझा, मालूम पड़ा, मालूम पड़ा. मेरे फादर उस कंपनी के समझो KMP है, की मैनेजरल पर्सन, तो भी मैं उस कंपनी का ऑडिटर नहीं बन सकता. तो सिंपल सा पॉइंट है कि अ पर्सन हुज रिलेटिव इज अ डायरेक्टर और इज इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी एज अ डायरेक्टर और की मैनेजरल पर्सन, तो मैं उस कंपनी का ऑडिटर नहीं बन सकता. सिंपल सा पॉइंट है, क्लियर. तो देखो बार बार बता रहा हूं, एकदम माइंड में एकदम फिक्स हो जाना चाहिए. ठीक है, क्या बोला पहला आज के लेक्चर का थर्ड पार्ट में, क्या बोला मैंने, अभी देखो डिस्क्वालिफिकेशन का फर्स्ट पार्ट किया हमने, सेकंड पार्ट किया, ये थर्ड पार्ट लास्ट, तो डिस्क्वालिफिकेशन अपना फिनिश हो जाएगा. तो क्या बोला मैंने, अगर किसी भी पर्सन का या फर्म का उस कंपनी के साथ बिजनेस रिलेशनशिप है तो वो उस कंपनी का ऑडिटर नहीं बन सकता. सिंपल सा फंडा, उस कंपनी के साथ या उसके एसोसिएट के साथ, एसोसिएट कंपनी, सब्सिडियरी, होल्डिंग, फेलो सब्सिडियरी, बराबर है, जिसके भी साथ उसका अगर बिजनेस रिलेशनशिप है तो उस कंपनी का वो ऑडिटर नहीं बन सकता. और फिर क्या देखा एफ क्लॉज में, कि अगर मेरा कोई रिलेटिव जैसे मैं ऑडिटर बनना चाहता हूँ रिलायंस कंपनी का, बट मेरा कोई रिलेटिव, मेरा भाई या बहन, मेरे फादर मदर जो भी है, उस कंपनी के अगर समझो डायरेक्टर की पोस्ट पे है या की मैनेजरल पर्सन है,
तो भी मैं उस कंपनी का ऑडिटर नहीं बन सकता, मैं डिस्क्वालिफाई हो जाऊंगा। क्लियर? मालूम पड़ गया, याद रखना इसको। क्या है कि सीए बेचारा जहां जहां पाव रखे सब जगह डिस्क्वालिफिकेशन ही दिख रहा है, फूट फूट के उसको कदम रखने पड़ते हैं भाई, देखना पड़ता है, देख रहे हो कितने सारे डिस्क्वालिफिकेशन है, मालूम पड़ा? तो सब देख के वो कंपनी का वो ऑडिटर अपॉइंट होता है। सोचो कितना इंडिपेंडेंसी दिखता है इधर, इंडिपेंडेंट ऑडिटर, जहां बेचारा देख रहा है उधर, अरे ये डिस्क्वालिफाई डिस्क्वालिफाई डिस्क्वालिफाई, अरे तो क्वालिफाई कभी होगा यार, सब जगह तो डिस्क्वालिफाई दिख रहा है, मालूम पड़ा? तो इसलिए कंपनी देखो ऑडिटर इंडिपेंडेंट ऑडिटर, यही सब चीज है ना इंडिपेंडेंसी, बराबर है? मतलब कोई ऐसा रिलेशन नहीं होना चाहिए, एकदम इंडिपेंडेंट पर्सन होना चाहिए, समझा कि नहीं? ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट, ठीक है? अब ये भी हो गया अपना, याद रखना रिलेटिव कोई भी अगर आपका रिलेटिव है, अगर वो क्या है बेटा केएमपी या डायरेक्टर, तो वो भी अगर आपका कोई रिलेटिव केएमपी या डायरेक्टर की पोस्ट पे है उस कंपनी के, तो भी आप डिस्क्वालिफाई हो जाओगे। क्लियर है? नाउ द नेक्स्ट डिस्क्वालिफिकेशन इज व्हाट, क्लॉज जी में क्या बोलता है, अगर कोई पर्सन या फर्म, कोई पर्सन के पास मोर देन 20 कंपनीज का ऑडिट है, समझो अगर मैं मोर देन 20 कंपनीज का ऑडिटर हूं, क्या मोर देन 20 कंपनीज का मैं ऑडिटर हूं, तो मैं डिस्क्वालिफाई, तो मैं रिलायंस कंपनी का ऑडिटर नहीं बन सकता, बराबर है? मतलब क्या दिया है, एक लिमिट दिया है कि अगर आप ऑडिटर हो, आप पर्सन हो, तो आप 20 कंपनीज का ऑडिट कर सकते हो, ठीक है? 20 कंपनी से ज्यादा हुआ ना, तो आप उस कंपनी के ऑडिटर, जैसे रिलायंस कंपनी में मुझे ऑडिटर बनना है, तो मैं रिलायंस कंपनी का ऑडिटर नहीं बन सकता, क्योंकि रिलायंस कंपनी अब मेरा क्या हो जाएगा, 21st कंपनी हो जाएगा, तो 21st अलाउड नहीं है। मतलब क्या बोल रहा है कि आप 20 कंपनीज तक का ऑडिट कर सकते हो, मोर देन 20 कंपनीज आ गया तो आप डिस्क्वालिफाई, ठीक है? मालूम पड़ा, मोर देन 20 कंपनीज आ गया तो आप डिस्क्वालिफाई हो जाओगे, ठीक है? मेरे को रिलायंस कंपनी का ऑडिटर बनना है, लेकिन मेरे पास पहले से 20 कंपनीज है, 20 कंपनीज का ऑडिटर हूं मैं, तो मैं रिलायंस कंपनी का ऑडिटर नहीं बन सकता, मैं डिस्क्वालिफाई हो जाऊंगा। अरे दूसरों को भी तो कमाने दो, क्या मैं ही थोड़ी अकेला सीए एग्जाम पास करके बैठा हूँ, बहुत सारे लोग है ना सीए एग्जाम पास करके बैठे, उनको भी तो कमाने दो, समझा कि नहीं? मालूम पड़ा ऐसा इसलिए होता है, मालूम पड़ा कि नहीं? तो ऐसा कुछ नहीं है, लिमिट है, लॉ है, रूल है कि भाई एक ऑडिटर 20 कंपनीज का ऑडिट कर सकता है, उससे ज्यादा करेगा तो उस कंपनी का ऑडिटर। अरे कितना बर्डन लेगा यार, कितना ऑडिटर, कितना टेंशन लेगा, समझा? तो 20 कंपनी का लिमिट दिया है, 20 कंपनी से ऊपर गया ना तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, आप उस कंपनी का ऑडिट नहीं कर सकते। मेरे को रिलायंस कंपनी का ऑडिटर बनना है, लेकिन मेरे पास 20 कंपनी पहले से ही है, 20 कंपनी का ऑडिटर हूं मैं, तो मैं रिलायंस कंपनी का ऑडिटर नहीं बन सकता, खत्म, फिनिश। तो ये भी पॉइंट याद रहेगा सबको, डिस्क्वालिफिकेशन मोर देन 20 कंपनीज। और देखो ये जितना है ना सब एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बराबर है? एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मालूम पड़ा कि नहीं? याद रखना। चलो उसके बाद नेक्स्ट, क्लियर है ना सबको ये? आ जाओ नेक्स्ट, आगे क्या बोल रहा है बेटा, a person who has been convicted by a court of an offense involving fraud and a period of 10 years has not elapsed from the date of such conviction. Chalo, abhi samjho, main auditor hoon, main ek auditor hoon, but maine kuch fraud kiya, fraud, aur main wo fraud mein doshi mana gaya, main convicted ho gaya, convicted, theek hai? नहीं हो, लेकिन एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, ठीक है? मेरे को ले लो एग्जाम्पल के लिए, ठीक है? अगर मैंने कोई फ्रॉड किया है, बराबर, और मैं कन्विक्टेड हो गया, कोर्ट ने मुझे सजा सुना दी, सजा सुना दी कि भाई गावस्कर सर आपने ये फ्रॉड किया है, आप दोषी पाए गए हो, आपको 10 साल की कैद बामशक्कत की सजा होती है। क्या 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 होगी ना यार, फ्रॉड करेगा बंदा तो होगी, बराबर है? चाहे वो मैं हूं चाहे कोई भी रहे, ठीक है? तो एग्जांपल फिलहाल मैंने अपने ऊपर लिया है, तो मैंने अगर फ्रॉड किया है और मैं कन्विक्टेड बाय अ कोर्ट ऑफ एन ऑफेंस इन्वॉल्विंग फ्रॉड, ठीक है? तो समझो अभी क्या मेरे को 10 साल की सजा हुई, 15 साल की सजा हुई, 20 साल की सजा हुई, 2 साल की सजा हुई, 5 साल की सजा हुई, कोई भी सजा हो, कोई टेंशन नहीं, ठीक है? मेरे को जब भी वो कोर्ट ने दोषी करार दिया, उस दिन से लेके 10 साल तक मैं किसी कंपनी का ऑडिट नहीं कर सकता, मैं ऑडिटर नहीं बन सकता। भले मेरे को सजा कोर्ट ने 2 साल की दी रहे, 4 साल की दी रहे, 6 साल की दी रहे, 10 साल की दी रहे,
कुछ भी हो, फ्रॉड के केस में इतनी लंबी सजा नहीं होती है, ठीक है, मालूम पड़ा। लेकिन समझो मेरे को सजा मिली, मेरे को 5 साल की सजा मिल गई, 5 साल का जेल हो गया मेरे को, समझो एग्जाम्पल 5 ईयर्स का जेल हो गया। अब मैं 5 साल के बाद आया जेल में से, अरे रिलायंस कंपनी में आ गया, आई एम बैक, ऑडिटर अपॉइंट कर लो मेरे को। रिलायंस कंपनी बोलेगी सर माफ कीजिए, 5 साल और वेट कीजिए, बराबर है, क्योंकि एज पर सेक्शन 141 सबसेक्शन 3 के हिसाब से जो क्लॉज एच है वो क्या बोलता है, जब भी आप फ्रॉड में दोषी पाए गए हो, कोर्ट ने सजा सुनाई है आपको, तो 10 साल तक आप किसी भी कंपनी के ऑडिटर नहीं बन सकते। खत्म। तो 10 साल तक आप ऑडिटर नहीं बन सकते भाई, मालूम पड़ा, 10 साल तक, तो ऐसा नहीं आ गए आप, 10 साल तक मेरे को रुकना पड़ेगा, 10 साल के बाद मैं जाऊंगा तो मैं ऑडिटर अपॉइंट हो सकता हूं, समझा, फ्रॉड का अगर कन्विक्टेड हुआ है ऐसा केस, समझा कि नहीं, मालूम पड़ा फ्रॉड के केस में, क्लियर है, मालूम पड़ गया, तो याद रखना ये फ्रॉड के केस में, और कोई छोटे मोटे गुनाह के केस की बात नहीं हो रही है, समझे, जैसे किसी ने आपके ऊपर हाथ उठा दिया, आपने उसको रिवर्स धो दिया एकदम, बराबर है, धो दिया तो कुछ हो गया, उसको फूट फाड़ गया किधर, उसने केस कर दिया आपके ऊपर कि देखो इसने मेरे को मारा, मालूम पड़ा, और वैसे तो आप भाई मारा पहले उसने, आपने तो सिर्फ रिटेलिएट किया आपने एक तरह से, ठीक है, रिवर्स आपने रिस्पॉन्स दिया, लेकिन सजा हो गई आपको, समझो आपने मार दिया उसको, ब्लड ब्लड आ गया तो आपको सजा हो गई, 6 महीने की जेल हो गई आपको, ठीक है, 6 मंथ्स की आपको सजा हो गई, क्योंकि हाफ मर्डर का केस बन गया आपके ऊपर, तो आपको 6 मंथ्स की सजा हो गई। उसके बाद 6 महीने के बाद आप आए रिलायंस कंपनी के पास, अरे भाई मैं आ गया, तो रिलायंस कंपनी बोले ठीक है आ जाइए सर, आ जाइए आप ऑडिटर अपॉइंट हो जाओगे। तो इधर ये सब केस में 10 साल नहीं है, फ्रॉड के केस में, बराबर है, मालूम पड़ा कि नहीं, ऐसे छोटे मोटे केस में 10 साल नहीं है, छोटे मोटे केस मतलब गलती तो आपकी थी नहीं, लेकिन फिर भी आप जेल में चले गए, समझा कि नहीं, मालूम पड़ा, क्योंकि सामने वाले को ज्यादा लग गया, ठीक है, तो वो चीज में ऐसा कुछ नहीं है, वो चीज में अगर ऐसा कुछ केस हुआ, 6 महीने की सजा आप काट के बाहर आए, तो आप उस कंपनी के ऑडिटर बन सकते हो, तो टेंशन नहीं है, मालूम पड़ा कि नहीं, क्लियर है। वैसे तो ऐसे केस में सजा भी नहीं होती है, क्योंकि सामने वाले की गलती है, आपने मार दिया उसको, निकल गया ब्लड, तो क्या कर सकते, वो सजा नहीं होती अगर आप केस लड़ोगे तो। लेकिन बाई चांस आप चले गए, आप हार गए केस, 6 महीने की सजा हो गई आपको, तो फिर कोई बात नहीं, कोई टेंशन नहीं, आप ऑडिटर बन सकते हो उस कंपनी के, ठीक है, ऐसे केस में आपको 10 साल तक रुकने की जरूरत नहीं, आप 10 साल तक डिस्क्वालीफाई नहीं हो जाओगे, ठीक है, तो याद रखना। सो इफ अ पर्सन हु हैज बीन कन्विक्टेड बाय अ कोर्ट ऑफ एन ऑफेंस इन्वॉल्विंग फ्रॉड का केस है, देन ओनली, फ्रॉड के केस में वो कन्विक्ट हुआ है, तो 10 साल तक वो किसी भी कंपनी का ऑडिट नहीं कर सकता, जब तक 10 साल खत्म नहीं होता था, हाँ 10 साल के बाद फिर वो ऑडिट कर सकता है। फ्रॉड के केस में तो जल्दी कोई ऑडिटर अपॉइंट भी तो नहीं करेगा, बोला ये तो यार क्या साला फ्रॉड, पहले फ्रॉड करके सजा काट के आया, लेकिन फिर भी जिसको अपॉइंट करना है तो 10 साल के बाद वो अपॉइंट कर सकता है, ठीक है, तो 10 साल तक बेचारे का फ्यूचर खराब हो गया, इसलिए फ्रॉड करने का नहीं, याद रखना, ठीक है, चलो ईमानदारी से काम करो, 2 रोटी कम खाएगा चलेगगा, और ईमानदारी से काम करेगा तो ऐसा जरूरी नहीं है कि 2 रोटी कम ही मिलेगा, पेट भर के खा सकते हो, ठीक है, मालूम पड़ा, ईमानदारी से करने का, ऑनेस्टी से काम करने का, और एकदम मस्त जीने का लाइफ, समझा, मज्जामा जीवन हो, टेंशन लेवानो नहीं। चलो अभी देखो नेक्स्ट वाला क्या बोलता है बेटा, नेक्स्ट वाला डिस्क्वालिफिकेशन क्या है, आई, एनी पर्सन हूज सब्सिडियरी और एसोसिएट कंपनी और एनी अदर फॉर्म ऑफ एंटिटी इज एंगेज्ड एज ऑन द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट इन कंसल्टिंग एंड स्पेशलाइज्ड सर्विसेज एज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 144, ठीक है, अभी समझो कोई भी पर्सन, अगर मैं पर्सन या मेरा फर्म, ठीक है, मैं रिलायंस कंपनी को सेक्शन 144 वाली सर्विस दे रहा हूँ, सेक्शन 144 वाली, अरे भाई सेक्शन 144 वो वाला नहीं, ठीक है, मालूम पड़ा, जो आजकल चल रहा है वो सेक्शन 144 नहीं, ठीक है, इधर वाला सेक्शन 144, ठीक है, तो सेक्शन 144 की मैं सर्विस दे रहा हूँ अगर उस कंपनी को, तो भी मैं उस कंपनी का ऑडिटर नहीं बन सकता। अगर मैं रिलायंस कंपनी को सेक्शन 144 की सर्विस दे रहा हूँ तो मैं उस कंपनी का ऑडिटर नहीं बन सकता, चाहे उस कंपनी को दे रहा हूँ, चाहे उसकी सब्सिडियरी को, होल्डिंग को, एसोसिएट को, फेलो सब्सिडियरी को, किसी को, तो मैं उस कंपनी का ऑडिटर नहीं बन सकता, समझा, मालूम पड़ा, क्लियर है, मतलब उसकी सब्सिडियरी को, एसोसिएट को अगर मैं
या उस कंपनी को स्पेशलाइज सर्विस एज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 144 वाली सर्विस दे रहा हूं तो मैं उस कंपनी का ऑडिटर नहीं बन सकता। अब ये सेक्शन 144 में कौन सा सर्विस आया? सेक्शन 144 मतलब वो अकाउंटिंग का सर्विस दे रहा हूं मैं, इंटरिम ऑडिट की सर्विस दे रहा हूं, बुक कीपिंग की सर्विस दे रहा हूं, एक्चुअरियल ऑडिट की सर्विस दे रहा हूं, मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स की सर्विस दे रहा हूं। तो ऐसी अगर मैं स्पेशलाइज सर्विसेज दे रहा हूं उस कंपनी को प्रोवाइड कर रहा हूं तो भी मैं उस कंपनी का ऑडिटर नहीं बन सकता। लो डिस्क्वालीफाई हो गया। तो यहां तक आपने सारे डिस्क्वालिफिकेशन देख लिए। तो ये होता है बेटा, अब ये हो गया बेटा अपना डिस्क्वालिफिकेशन इधर खत्म। हाँ, उसके बाद सेक्शन 141 सबसेक्शन 4 में क्या बोलता है, ये भी एक पॉइंट याद रखो। सेक्शन 141 सबसेक्शन 4 क्या बोलता है बेटा, वेयर अ पर्सन अपॉइंटेड एज ऑडिटर ऑफ द कंपनी इनकर्स एनी ऑफ द डिस्क्वालिफिकेशन मेंशन्ड इन सेक्शन 144 सेक्शन 141 सबसेक्शन 3 जो अभी पढ़ा सारे आपने, आई तक जितने भी डिस्क्वालिफिकेशन है, of the Companies Act 2013, after his appointment, his or her, ठीक है, तो he or she shall vacate his or her office as such auditor and such vacancy shall be deemed to be a casual vacancy in the office of an auditor. मतलब क्या बोल रहा है, अगर मैं रिलायंस को ऑडिटर अपॉइंट हो गया उसके बाद मालूम पड़ा कि मेरे अंदर कुछ डिस्क्वालिफिकेशन है, मतलब ए टू आई तक जो भी आपने पढ़ा पीछे उसमें से कोई भी डिस्क्वालिफिकेशन बाद में मालूम पड़ी तो मुझे ऑफिस छोड़ना पड़ेगा, ठीक है, ऑफिस वैकेट करना पड़ेगा और उस टाइम पे जो वैकेंसी आएगी दैट विल बी व्हाट, कैजुअल वैकेंसी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? कैजुअल वैकेंसी, कंपनी के पास कैजुअल वैकेंसी हो गई क्योंकि बाद में मालूम पड़ा कि भाई मेरा ये डिस्क्वालिफिकेशन है, मेरा कोई रिलेटिव इसमें बराबर है, शेयर होल्ड करके रखा है 1 लाख से ज्यादा फेस वैल्यू का, या कोई भी डिस्क्वालिफिकेशन जितना आपने पढ़ा ए टू आई तक क्लॉज में, अगर वो डिस्क्वालिफिकेशन बाद में मालूम पड़ी, मैं अपॉइंट हो गया लेकिन बाद में मालूम पड़ा तो भी मैं डिस्क्वालिफाई हो जाऊंगा, मुझे अपना ऑफिस वैकेट करना पड़ेगा, हिज और हर ऑफिस, जो भी, अगर लड़का है तो हिज, लड़की है तो हर, ठीक है, मालूम पड़ा तो ऑफिस छोड़ना पड़ेगा, और मैं हूं तो नॉर्मल सी बात है, मैं अपना ऑफिस छोड़ दूंगा। तो वो टाइम पे जो वैकेंसी अराइज होगी दैट वैकेंसी इज नोन एज व्हाट, कैजुअल वैकेंसी। क्लियर है? तो याद रखना, हो सकता है ना, बराबर है, किसी किसी का ख्वाब रहता है, नहीं मेरे को रिलायंस कंपनी का ऑडिटर बनना है और मेरे को उसका शेयर भी देना, शेयर भी खरीदना, तो क्या करेगा, रिलायंस कंपनी का ऑडिटर बन गया, बाद में उसने रिलायंस कंपनी का शेयर खरीद लिया, तो गलत बात है ना, ठीक है, तो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, बराबर, बाद में मालूम पड़ा अरे भाई इसने शेयर खरीदा, डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, आपको ऑफिस छोड़ना पड़ेगा अपना, खत्म। तो उधर कैजुअल वैकेंसी अराइज हो जाएगी, क्या हो जाएगी, कैजुअल वैकेंसी। सो ये डिस्क्वालिफिकेशन अपना इधर ओवर हो गया, और आपने सेक्शन 141 सबसेक्शन 4 भी देख लिया कि बाद में मालूम पड़ता है कुछ डिस्क्वालिफिकेशन है तो भी उसको अपना ऑफिस छोड़ना पड़ेगा, तो उधर जो वैकेंसी होगी दैट विल बी कैजुअल वैकेंसी, दैट्स ओवर, ठीक है। ये हो गया अपना इधर डिस्क्वालिफिकेशन भी खत्म, मतलब अपना 3 पार्ट में डिस्क्वालिफिकेशन हमने पढ़ा, ठीक है, पूरा 3 पार्ट्स में, ठीक है। तो वो सारे डिस्क्वालिफिकेशन अच्छे से याद रखो, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है।